मुझसे ज़्यादा बैडेस्ट कोई नहीं था, पर क्योंकि उसको जो उसका जो वेरिएशन था वो नहीं दिखा पाया। बट क्योंकि किस चीज़ में चाहिए मुझमें एक दुनिया में मेरे आसपास हुई है, बस देखो जो मेरा सपना था, मैंने रियलिटी शो में भी बोला है कि मीडिया प्रेस हर कोई इम्प्रेस, तो मैं जो मैं ये चकाचौंध देख रहा हूँ इसी चीज़ के लिए तो मैं आया था बॉम्बे में। अब कल मैंने देखा इतने सारे लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, तो मैंने पकाया था एक घंटा खड़े हो गए, डेढ़ घंटा सबको मैंने टाइम दिया है कि मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचाना सकूँ। बस ऐसी ज़िंदगी जी है और आगे भी जी रहे हैं, और ये सब ये सपना पूरा होता वो दिख रहा है इतने सारे माइक्स आगे, बेसिक स्टार्टिंग है ये। जो अच्छा मुनव्वर की ऐसी क्वालिटी जो जिससे वो विनर बना, उसकी माइंड गेम्स है अच्छी, माइंड गेम्स खेली है उसने, और मैं जो हूँ मैं भी बैडेस्ट, मुझसे ज़्यादा बैडेस्ट कोई नहीं था, पर क्योंकि उसको जो उसका जो वेरिएशन था वो नहीं दिखा पाया, बट क्योंकि उसकी माइंड गेम्स अच्छी थी इसलिए वो ज़्यादा अच्छा बेहतर प्लेयर है, क्योंकि वो एक रियलिटी शो है, एक गेम शो है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर विनर्स वो होते हैं जिनकी माइंड गेम भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मैं लोगों का मनोरंजन करता आया हूँ और एंटरटेन किया है मैंने दुनिया को, और मैं लोगों को हंसाने में ज़्यादा मैंने विश्वास रखा, भले कि मैं ज़्यादा गेम खेलूँ, मेरा गेम पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, मेरा एंटरटेनमेंट जो दुनिया है कि ऑडियंस जब टीवी ऑन करे तो हंसे, वो लोग हंसे मुझे देखकर, बस और कुछ नहीं, मैंने और कोई गेम नहीं खेली है मैंने, दैट्स इट। इशू लगा क्या मुझे? पी आर टीम रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको वोटिंग चाहिए ज़्यादा, अब मेरा तो फर्स्ट कैप्टिव रियलिटी था, अगले में जाएंगे महादेव ने चाहा तो बिग बॉस में भी ज़रूर आएंगे, और उसमें हम अच्छी पी आर टीम रख के आएंगे, ठीक है ना? थैंक यू, शी इज़ अमेजिंग होस्ट, बहुत अच्छी होस्ट है वो, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, हर चीज़ वो तरीके से करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई और, मुझे नहीं लगता कि कोई और इस शो को होस्ट कर सकता था, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, शी इज़ द बेस्ट। थैंक यू गाइज, आई लव यू ऑल।